तो ऐसी स्थिति ना हो जाए समझ में, यानी कि जैसे आए वैसे ही चल दिए, ना कुछ सुना ना कुछ समझा। तो समझना भी है उसको, है ना, पढ़ लिया करके नहीं होता, बो दिया करके नहीं होता, बोने के बाद में उसकी समय समय पर निराई गुड़ाई सब करनी पड़ती है, तब जाकर के फसल हाथ आती है। तो ये तो एक हास्य मनोरंजन था, लेकिन यह भी यह शिक्षा देती है कि हमारा जो कर्तव्य है, मानव देह हमको जो कि 84 लाख योनियों के बाद में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है, ऐसे ही सुंदर अनमोल मनुष्य योनि को प्राप्त होने के बाद यदि हमने अपने इस मनुष्य योनि को, मानव जीवन को मिलने के बाद भी अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने में, उस तत्व को, सार को समझने में यदि अपना समय नहीं दिया, तो फिर हमारा यह जीवन उस पशु के समान है। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, वे भी खाना खाते हैं, सब क्रियाएं उनमें पशुवत होती हैं, केवल पशु और उस मनुष्य में दो ही चीज का अंतर रह जाता है, दूसरा उसके सींग, ये दो ही उसकी विशेषता है, बाकी सारे कार्य मनुष्य फिर पशुओं की तरह समान करने लगता है। तो ऐसा अनमोल यह मानव जीवन प्राप्त होने के बाद परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का जो हमारा यह परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि किस लिए हमें यह मानव देह प्राप्त हुआ है, और इस मानव देह का परम लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हे प्रभु, आज हम इस भव बंधन में, इस संसार रूपी समुद्र में दलदल से हो जाना, जो मर जाता है उसका जन्म अवश्य होता है, जिसका जन्म हो जाता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, यहाँ अजर और अमर कोई भी नहीं है, संसार का नाम ही दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है, फिर यहाँ सुख की चाह करनी भी नहीं चाहिए, सुखी यहाँ वही हो सकता है जो परम पिता परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता हो। तो हमारा यह अनमोल मनुष्य जीवन हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम बार बार किसी भी अवस्था में रहें, चाहे प्रभु की कैसी भी कृपा हो, हमारे ऊपर कृपा में होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, जितना भी हमको भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है। कई लोगों के पास में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होता, बिछाने के लिए नहीं होता, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु आपने कम से कम हमें ऐसे दुर्दिन तो नहीं दिखाए, ऐसे उन व्यक्तियों से तो हम लाख गुना आगे हैं, प्रभु आपकी कृपा सदैव इसी प्रकार से बरसती रहे, इस प्रकार से भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर बात पर भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। कोई भी क्षण, पल पल होता है, एक बार आंख झपकने में कितना समय लगता है, इतना भी समय मनुष्य का बर्बाद नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो मनुष्य देह प्राप्त होने पर भगवत नाम चिंतन करते हुए अपने सारे गृहस्थ के सत्कार्यों को निवृत्त करते हुए, क्योंकि गृहस्थ का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, जितना करते जाओगे, जितना आप सोचोगे कि आज मेरा कार्य समाप्त हो गया, शाम को आकर के फिर वही कार्य और बढ़ जाता है, तो गृहस्थ का कार्य कभी संपन्न नहीं हुआ करता। तो आपको यह सुंदर अवसर महाराज जी के द्वारा इस पुरुषोत्तम मास में ऐसी अविरल ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, समस्त 35 कोटि देवी देवता यहाँ पर आह्वान किए गए हैं, उनकी छत्र छाया में रह करके यह शुभ अवसर, जब मनुष्य के जन्मांतरम भवेत पुण्यम ततो भागवतम लभेत, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य का कर्म करने के बाद वो एक सारे पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, तब जाकर के मनुष्य ऐसे भागवत कथा पंडाल आदि का दर्शन करने का, ऐसी कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य उस मनुष्य को प्राप्त हुआ करता है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी के लिए माँ भगवती से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार को जिस प्रकार से आपने अपना अमूल्य समय देकर के सुंदर सजाया है, माँ भगवती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपका घर परिवार सदा सुखमय, इसी प्रकार से बसंत ऋतु की
तरह सदैव हरा भरा खिला रहे। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को आप लोग सदैव नित्य निरंतर प्राप्त होते रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ आपके घर परिवार में सदैव प्रदान करते रहे। ज्ञान का भंडार आपके घर में भरा रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। बोले श्री शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पदये। हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान। ऐसा भोग लगाओ मेरे भोले जी। 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 सब अमृत बन जाए Thank you.
करे नारी दे गुणगान करे छेड़ दिया तान फिर तेरी महिमा गाए सत करे नारद गुणगान करे छेड़ दिया तान भक्ति तेरे I'm gonna